नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीआर न्यूज में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। तमिल फिल्म ओरू अदारलव के विवादित गाने के खिलाफ मुस्लिम समुदाय हुआ लामबंद। आज यहाँ मुस्लिम समाज क्यूना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक रमेश अग्रवाल को एक ज्ञापन सौंपते हुए इस फिल्म के निर्देशक सहित संगीतकार एवं गाने में अभिनय करने वाले कलाकारों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के तहत मामला दर्ज करने की मांग की, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक से मामले की पड़ताल कर कार्रवाई करने का आश्वासन भी मुस्लिम समुदाय को दिया। गौरतलब है कि पिछले करीब 3 दिनों से यह गाना सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि गाना मलयालम भाषा में है, जिस वजह से अधिकतर लोगों को इसके शब्द समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इस गाने को गौर किया, जिसका इंग्लिश एवं हिंदी अनुवाद किया, तो पाया कि इसमें मुस्लिम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब एवं उनकी बीवी का जिक्र किया गया है। साथ ही उनको लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्दों को इस्तेमाल भी किया गया है, जिसको लेकर सिर्फ गुनाह ही नहीं बल्कि देश भर में विभिन्न जगहों पर मुस्लिम समुदाय द्वारा इस गाने से संबंधित लोगों पर मामला दर्ज करने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में शहर काजी नूरुल्लाह यूसुफजई, फिक्रे मिल्लत संयोजक मोहसिन कुरैशी, जमीयत उलमाए हिंद के हुजूर कुरैशी अजमेरी रायन सहित अन्य कई मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये अभी विगत 2-3 दिन पहले जो एक वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो के अंदर जो गाना है वो गाना इस्लाम विरोधी है और उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पत्नियों के विरुद्ध बहुत सारी बातें कही गई हैं। हम मुस्लिम समाज के लोग ज़िला प्रशासन को आज एक ज्ञापन के माध्यम से उनके डायरेक्टर और उनके प्रोड्यूसर और जो लोग उसमें काम करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ FIR की मांग करने के लिए आए हैं और हम ये चाहते हैं कि उससे वो गाना और वो सारी चीज़ें, तमाम विवादित चीज़ें हटाई जाए। तो गाना कौन डायरेक्टर है, कौन सी मूवी है, कहाँ की है? पर्सनल नंबर है ना, ये एक मलयालम गाना है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन के बाद हमें मालूम चला कि उसमें इस तरह की बातें कही गई हैं। उमर लुलू उसका डायरेक्टर है जिसके खिलाफ FIR की डिमांड की गई। संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ गुना द्वारा मध्य प्रदेश के तत्वावधान में आज अतिथि शिक्षकों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित हुआ। यह धरना प्रदर्शन नगर पालिका भवन के बाहर आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार से इन्होंने लंबे समय से चली आ रही अपनी नियमितीकरण की मांग को पुनः उठाया। साथ ही इसी प्रकार के धरने प्रदर्शन आज मध्य प्रदेश के समस्त जिलों एवं तहसील स्तर पर भी किए गए। यहाँ अतिथि शिक्षकों द्वारा मुख्यमंत्री के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उनकी मांगे मान लेने की मांग भी रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वे आगामी चुनाव में प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अमेरिका लगता बड़ा आया तो उसको सॉल्व करने में 3 मिनट लगेंगे, तो परीक्षा होती है कितने घंटे की, अगर उसमें 3 घंटा तो 9 घंटे में लगेगा, तो हमें 3 घंटे में सॉल्व करना कैसे कर पाएंगे? दिखा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं लेकिन नियमित स्कूल जा रहे हैं, उधर प्रिंसिपल की धमकी से डरते हैं। प्रिंसिपल कहता है 10:30 बजे जाओ, 4:30 बजे जाओगे। अरे भैया हम 10:30 बजे जाएंगे, 4:30 बजे आएंगे तो बाकी परिवार को कौन पालेगा? और एक दिन नहीं गया सैलरी का एक्सटेंड का हो जाता है, ये 1 साल से नहीं है, 1 साल की जाता होती हम छोड़ देते, 2 साल की जाता होती हम छोड़ देते। ये धरना जो है मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ की तरफ से हर ब्लॉक हर जिले स्तर पर किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणाएं कर रहे हैं कि आपको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं और दे रहे हैं कि हमको आगामी चुनाव से पहले परमानेंट कर दिया जाए, नहीं तो हम मध्य प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने की क्षमता रखते हैं। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में कैंट स्थित डोंगापुरा पर भव्य शिव बारात एवं शिव आरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिव बारात में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शिव आरती के समय पर यहां पर श्रद्धालुओं का एक बड़ा हुजूम देखने को मिला। साथ ही शिव बारात में समाज के कई वरिष्ठ लोगों ने हिस्सा लिया।
स्वास्थ्य विभाग के रेडियोग्राफी से संबंधित कार्य करने वाले कई युवकों ने आज सीएमएचओ कार्यालय पहुंचकर सीएमएचओ रामवीर रघुवंशी को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए उन्होंने गुना शहर में चल रही पैथोलॉजी पर बिना डिग्री के कार्य करने वाले कर्मचारियों के संबंधित जानकारी दी एवं उनसे आग्रह किया कि जो युवक रेडियोग्राफी की डिग्री कर चुके हैं उन्हें ही संबंधित कार्यों पर लगाया जाए, जिन्हें इन कार्यों का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है उनसे यहाँ पर काम कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने मांग की कि जो भी बिना एक्सपीरियंस और बिना डिग्रीधारी लोग काम कर रहे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। हम डिप्लोमा करके बैठे हैं सर घर पे, वो बिना डिप्लोमा वाले एक्से कर रहे हैं सर फंड संस्थान में। सर हॉस्पिटल हुए पैथोलॉजी बेटा दिक्कत अपन को क्यों हो रही है कि हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमारे जो रेडिएशन का रेडियोग्राफी का एक्सरे टेक्नीशियन का जो डिप्लोमा किया है अदर पैथोलॉजियों पे और हॉस्पिटलों में बिना रजिस्ट्रेशन के काम किया जा रहा है और जिसके कारण हमारे कुछ क्लासमेट हैं जो रजिस्ट्रेशन वाले रेडियोग्राफी वाले वो घर पर बैठे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं और कुछ बंदे ऐसे हैं जो बिना काम रजिस्ट्रेशन किए और काम कर रहे हैं सर। इसलिए हमने सर को ज्ञापन सौंपा है कि सर बोल रहे हैं कि इससे ये ज्ञापन हमने ले लिया है और जिससे अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल 19 फरवरी को होगी शुरू। आज इस सूचना को संविदा स्वास्थ्य कार्यकर्मियों द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी सबसे बड़ी मांग नियमितीकरण की है जिसको लेकर पूर्व में भी 4 बड़े हड़ताल कर चुके हैं लेकिन आश्वासन दिए जाने के बाद उनका नियमितीकरण आज दिनांक तक नहीं हुआ है, लिहाजा इस बार उनकी हड़ताल अनिश्चितकालीन होगी जो कि 19 फरवरी से शुरू हो जाएगी। वहीं इस हड़ताल में ग्वालियर चंबल संभाग के साथियों के सम्मिलित होने की बात उन्होंने दोहराई। हम लोग संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सभी लोग 19 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। हम लोगों ने आज आदरणीय एसडीएम साहब से अनुमति मांग ली। शास्त्री पार्क से हमारा ये कार्यक्रम चरणबद्ध चालू होगा जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग के सभी हमारे कर्मचारी इकट्ठे होंगे। साथ ही हम उसी दिन 19 तारीख को ये सदर बाजार निचले बाजार होते हुए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। हमारी जो मांग है उनके निराकरण के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन, सभी की एक ही मांग है नियमितीकरण जो कि हमें पिछले कई वर्षों से मांगते आ रहे हैं। हमारे 4 बार हड़तालों पर आश्वासन देने के बाद भी आज तक वो मांग पूरी नहीं हुई है, इसी चक्कर में अनिश्चितकालीन हड़ताल 19 तारीख से पुनः चालू की गई। आज मध्य प्रदेश कैरियर मित्र परीक्षा का आयोजन शहर में किया गया जहां बच्चों को एंड्रॉइड मोबाइल में एक ऐप के जरिए परीक्षा दिलाई गई। इस परीक्षा का विषय था बच्चे अपने कैरियर में आगे चलकर कौन सा सब्जेक्ट चुने। इसी संबंध में इस एंड्रॉइड ऐप में 140 सवाल बच्चों को दिए गए थे जिसमें हर सवाल के 4 ऑप्शन मौजूद थे। बड़ी संख्या में बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया, वहीं इन सवालों के जवाब भी ऑनलाइन दिए। एक माह बाद इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित होना है। वही बता दें कि जिन बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं थे उनके साथ वाले जो बच्चे एंड्रॉइड फोन लेके आए थे उनसे उनकी परीक्षा दिलाई गई, यानी कि एक ऐप से 10 बच्चों को परीक्षाएं दिलाई गई। दो
जन आकाशवाणी केंद्र पर आज रेडियो किसान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित किसानों को मार्गदर्शन देने के लिए आरोन एवं अशोकनगर से कृषि वैज्ञानिकों को बुलाया गया। साथ ही जिला कलेक्टर राजेश जैन भी उपस्थित रहे, जिन्होंने उपस्थित जनों को कृषि से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें भी बताई। इस आयोजन में किसानों की संख्या कोई खास देखने को नहीं मिली, जिसके बारे में आकाशवाणी केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि गुना में यह कार्यक्रम पहली बार हो रहा है और जानकारी के अभाव में किसान कम पहुंचे हैं। वे कोशिश करेंगे कि आगामी कार्यक्रम में जन जन तक इस जानकारी पहुंचाई जाए कि कार्यक्रम कब होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान इस कार्यक्रम का भाग ले सके एवं लाभ उठा पाए। ये साथ साथ में क्या है, जैसे अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात हुई, हमारे प्रधानमंत्री जी की बात हुई, उनकी मंशा ये है, लेकिन मंशा तो है, हम लोग जब तक अपना आय तब तक आय दूनी नहीं कर पाएंगे जब तक हम नहीं करेंगे। रेडियो किसान दिवस आज यहाँ आयोजित किया गया है। किसान की बात करें तो खेती करने से लेकर फसल उपजाने से लेकर बाकी सभी गतिविधियां किसानों के द्वारा संचालित की जाती हैं। अभी कोई बात बताने की और दोहराने की जरूरत नहीं है कि गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, वो किसान किस स्तर की मेहनत करता है और वहां से लाकर अनाज हम तक पहुंचता है। बात आई है किसानों के बारे में, तो किसानों के हित में मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा बहुत अधिक कार्रवाइयां की गई हैं, चाहे वो भावांतर योजना हो, एक नई योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश की सरकार ने की और जिसको पूरा देश अपना रहा है। भावांतर योजना में पिछले खरीफ में सोयाबीन और उड़द, बड़ी संख्या में किसानों की उड़द का दाम और सोयाबीन का दाम बाजार मूल्य से कम था। एक बड़ी राशि अगर गुना की बात करें तो जसवंत सिंह जी, लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में हमारे द्वारा भुगतान की गई है। मैं किसी प्रकार की रासायनिक दवा खेत में न जाए, आपका भी मानना है। इसके लिए हमको क्या करना है कि जो हम उपचार की बात करते हैं, जैसे हम अच्छा बीज बोने की बात करते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी जमीन है, जमीन जैविक कब होगी तब हम उसमें सही प्रकार से जो हम रासायनिक खादों की बात करते हैं या हम इनका प्रयोग नहीं करें। दूसरा हम क्या, जो हम कीटनाशक दवाओं की बात करते हैं, कीटनाशक दवा हम डालते हैं हम अपने खेत में, तो इसमें बहुत तरीके के, जैसे हम कुछ, जैसे मान लीजिए कि हमें कोई कीट की जो नियंत्रण करना है, कीट के नियंत्रण के लिए हम केवल रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं करेंगे, हम करेंगे केवल जैविक का। जैविक जो विधियाँ हैं तो और फसल को आय को दोगुना कर दें, तो लगभग ये सुनते सुनते 3 वर्ष तो बीत गए, 2 वर्ष और हैं, तो हमें कितना समय लगना है? तो मेरी ये 2 समस्याओं के समाधान के बारे में मुझे सुझाव देंगे, इसी उम्मीद के साथ। भारत माता की, मैं जसवंत सिंह रघुवंशी, ग्राम गेहूंखेड़ा गिर्द, भारतीय किसान संघ से प्रांत का एक कार्यकर्ता हूँ और किसान, साथ ही 20 बीघा का टूटे फूटे रूप में जैविक जो संसाधन है उनसे जैविक किसान। हमारे स्टेशन मतलब एनआरएस बोलते हैं इसको, लोकल रेडियो स्टेशन, तो उसमें एक रेडियो किसान दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन 15 फरवरी को रेडियो किसान दिवस, रेडियो किसानवाड़ी कार्यक्रम होता है, वो चालू किया गया था सन 2004 में। तो हर साल 15 फरवरी रहती फिक्स हमारी, भले सोमवार हो मंगलवार उससे मतलब नहीं रहता है। तो 2004 से हम लोग ये फंक्शन मनाते आए हैं, क्योंकि गुना में मैं अभी अली आया बेटी से, तो यहाँ आज तक बना नहीं है, इसलिए थोड़ा किसान आपको देखना कम है, क्योंकि मालूम नहीं किसान संवाद क्या होता है, तो थोड़ा सी जानकारी के अभाव में लोग किसान नहीं आ पाए। अगले बार से जो होगा अच्छा। ये कृषि संबंधित लोग हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, अशोकनगर से आए, आरोन से आए हैं और अपने जो उप संचालक हैं उनकी तरफ से भदौरिया जी आए हैं, वो देंगे जानकारी, वो जो क्वेश्चन है किसानों को अपना पूछेंगे।
राधोगढ़ में व्याप्त बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के विरुद्ध में जन आक्रोश रैली एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में राधोगढ़ के कई जन सामान्य लोग भी शामिल हुए, साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जिसमें कहा गया कि साढ़ा अस्पताल में सुविधाओं को सुधार हो, डॉक्टर एवं स्टाफ की पूर्ति सहित राधोगढ़ नगर में पुराने अस्पताल में पुनः स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल की जाए। साढ़ा कॉलोनी स्थित स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं को समाप्त कर डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ की पूर्ति करें, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली किए जाने आदि की मांग की गई। जन आक्रोश रैली एवं ज्ञापन कार्यक्रम की मुख्य विशेषता यह रही कि इस कार्यक्रम में धर्म, संप्रदाय, राजनीति और व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर सभी आमजन शामिल हुए। इस कार्यक्रम में तमाम जन सामान्य के अतिरिक्त हमारा राधोगढ़ परिवार के विभिन्न सदस्य भी शामिल हुए। विषय है राघोगढ़ में व्याप्त बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने बाबत। माननीय महोदय, राघोगढ़ विकास खंड में एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसकी बिल्डिंग गेल के सीएसआर फंड से निर्मित होकर तमाम आवश्यक सुविधाओं से लैस है, किंतु योग्य डॉक्टर्स, स्टाफ एवं आवश्यक मशीनरी की कमी से जूझ रही है। हालात ये है कि इस क्षेत्र के लगभग 1,00,000 निवासियों को इस अस्पताल पर इतना भरोसा तक नहीं है कि छोटे छोटे रोगों का इलाज कराने में सोच सकें। गंभीर हालात में तो सोच भी नहीं सकते। आप भी राघोगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन आपने भी कभी मुड़कर नहीं देखा। आखिर इस राजनीतिक लड़ाई में हम 1,00,000 क्षेत्रवासियों की कहां गलती है जो इस स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर है। इन 1,00,000 निवासियों में से काफी लोग आपकी पार्टी के समर्थक भी हैं। अतः कृपया राघोगढ़ साडा स्थित स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स, सहायक स्टाफ, सफाई एवं अन्य स्टाफ तथा आवश्यक मशीनरी की पूर्ति कर यथाशीघ्र व्यवस्थाओं को बहाल करने की कृपा करें। राघोगढ़ नगर में अंदर स्थित स्वास्थ्य सेवा केंद्र की भी आवश्यकता अनुसार सुविधाओं में बहाली किए जाने की कृपा करें। समस्त राघोगढ़ क्षेत्रवासी एवं हमारा राघोगढ़ विकास सेवा संस्थान राघोगढ़। रावगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। दोनारोन रोड पर ग्राम बड़केरा हाट पेट्रोल पंप के पास टैंकर चालक ने बाइक सवार को कुचला। बाइक सवार का नाम गुना निवासी 23 वर्षीय विनोद जाटव बताया जा रहा है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा उक्त टैंकर को पकड़ लिया गया एवं ड्राइवर के खिलाफ धारा 304 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज तीसरे दिन भी केदारनाथ धाम पर लगा रहा मेला, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। साथ ही मेले का आनंद लेने भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पर यहां केदारनाथ धाम पर मोटरसाइकिल स्टैंड वालों ने जमकर लूटमार मचा रखी थी। एक तरफ तो कई लोग निस्वार्थ भाव से श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे थे, वहीं अधिकारियों की मिलीभगत से मोटरसाइकिल स्टैंड पर 20 रुपए की रसीद काटी जा रही थी, जो कि बहुत ज्यादा है। कई श्रद्धालु इस पर झगड़ते भी नजर आए। Yeah.
म्याना से हमारे सहयोगी सत्यन तिवारी की रिपोर्ट। डीजे आना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।